हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं जो इंडियन बैंक्स के शेयर्स को रिप्रेजेंट कर। दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में पर्सनली मैं काफी बुलिश था, आप सभी जानते हैं। रीसेंट टाइम में जो एक मेजर करेक्शन हुआ, मैंने उतने बड़े करेक्शन की संभावना नहीं देखी थी, लेकिन हुआ। ये तो मार्केट है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता है। अब ये करेक्शन क्यों हुआ? तो करेक्शन क्यों हुआ, उसके कई कारण हो सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना, क्रेडिट सुसी की नेगेटिव न्यूज, ऑफकोर्स यूबीएस ने क्रेडिट सुसी को हिस्टोरिकल डील में $2 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। तो क्या इस दौरान में जो करेक्शन हुआ, तो क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स में कोई परिवर्तन आया? एब्सोल्युटली नॉट दोस्तों। क्या सेंटीमेंट्स में परिवर्तन आया? यस ऑफ कोर्स, सेंटीमेंट्स तो खराब हुए, क्योंकि जब ग्लोबल सिचुएशन ऐसी होती है और ये न्यूज जो परकुलेट होती है तो सेंटीमेंट्स पे प्रभाव पड़ता है, और ये कारण बने एक मासिव करेक्शन के बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम या बैंक निफ्टी जो आज की डेट में है, मेरी नजरों में बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, जो पहले कभी नहीं था। पहली जैसी बातें नहीं रह गई हैं। अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखें, पहले क्या होता था कि कैपिटल लेवल्स का जो बेस था वो बहुत कम था और बैड लोन्स बहुत अधिक थे। आज करंट कैपिटल लेवल्स जो है वो डिफरेंट है, हेल्दी एसेट क्वालिटी है और स्ट्रिक्ट मॉनिटरी हो रही है रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो ये रीसेंट गिरावट है, ये ग्लोबल नेगेटिव न्यूज के कारण है। जैसे बोलते हैं ना, शेर आया बब्बर शेर आया। तो दोस्तों, शेर आया बब्बर शेर आया ऐसी सिचुएशन में जो सेंटिमेंट्स खराब होते हैं मार्केट में, वो कारण बनते हैं एक शार्प फॉल के या करेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे और उसके बाद में चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां पर मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की, और जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन हमें किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक नजर बैंकिंग सेक्टर के या बैंकिंग इंडस्ट्री के वैल्यूएशन को चेक करते हैं। तो यहां देखिए, ये मीडियन पी रेशियो जो है वो 11.3 है, यहां पे हम देख सकते हैं, जबकि 10 इयर्स का जो एवरेज है वो 16.1 है। तो वैल्यूएशन में यहां पर एक लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार ये प्रॉपर नजर आ रहा है। मैं मीडियन पी रेशियो इसीलिए चेक कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पी रेशियो एक डायनेमिक पैरामीटर है, क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो है। तो प्राइस डेली चेंज हो रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो अर्निंग चेंज होती है, तो इसीलिए मीडियन जो पी रेशियो है वो बेहतर पिक्चर हमें दिखाता है। अब यहाँ पे 5 ईयर्स के एवरेज को देखें तो 5 ईयर्स का 19.5 एवरेज है, जबकि मीडियन 10.2 है। तो यहां भी वैल्यूएशन में अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब देखते हैं 3 इयर्स के एवरेज के अनुसार, तो 3 इयर्स का जो एवरेज है वो है 16.9 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.2। तो हमने चेक किया 10 इयर्स, 5 इयर्स और 3 इयर्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, ये वैल्यूएशन में काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब दूसरे पैरामीटर में चेक करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो को, तो प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो 3.9 है, जबकि 10 साल का एवरेज जो है वो 4.1 है। तो यहां भी वैल्यूएशन में ये ठीक नजर आ रहा है। चलिए अब 5 साल के एवरेज को चेक करते हैं, तो 5 साल का एवरेज जो है वो 4.5 है। तो यहां पर भी वैल्यूएशन में ये प्राइस टू सेल्स रेशियो के पैरामीटर में अच्छा नजर आ रहा है। अब 3 साल के आधार पर चेक करते हैं, तो यहां 3 साल में भी एवरेज जो है वो 4.1 है। तो यहां पर भी ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली
रेवेन्यू में और अर्निंग में ग्रोथ नजर आ रही है कंसिस्टेंटली। अब एक नजर इंडस्ट्री के ट्रेंड पे डालते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 साल के दौरान में नेगेटिव रिटर्न दिया है 5.66% का। वहीं पर बैंकिंग सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 12.01% का। इसका तात्पर्य है कि बैंक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं ब्रॉडर स्टॉक मार्केट को। अब एक नजर फोरकास्ट के ऊपर में डालते हैं, तो एनालिस्ट जो है मेजोरिटी ऑफ एनालिस्ट वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है रीजनल बैंक इंडस्ट्री के प्रति, और वो आशा कर रहे हैं कि एनुअल अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो 37% रहने वाली है आने वाले 5 सालों तक। चलिए दोस्तों, अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों आज का दिन 31 मार्च 2023 है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का दिन है, मार्च महीने के क्लोजिंग का दिन है और इस वीक की समाप्ति का दिन है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के प्राइस एक्शन को हम एक बेस बनाएं और आगे के प्रोजेक्शन के बारे में सोचें। तो हम शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बैंक निफ्टी के मंथली प्राइस चार्ट से। सबसे पहले हम गौर से देखें तो यहां पर ये बेयर मार्केट था 2020 का, और इसके बाद इसने एक यहां पर राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और जब प्राइस में थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया जो नेक लाइन थी इस राउंडिंग पैटर्न की, और उसके बाद में सिग्निफिकेंट है इस हाई से, रीसेंट टाइम में जो इसने हाई बनाया वो इस हाई से ऊपर। तो इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। यस, पिछले 4 महीने से जो करेक्शन हो रहा है ये बात सत्य है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव में इंटैक्ट रहा। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि हम फर्दर डिस्कशन को बढ़ा सकें। यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये अपने आप में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और करंट मंथ में प्राइस इसको टेस्ट करके बाउंस बैक दिखा रही है, और करंट मंथ की कैंडल एक डोजी का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग रेंज है वो नैरो होती जा रही है। देखिए ट्रेडिंग रेंज पहले काफी बड़ी थी, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज रिड्यूस हो गई और अब ट्रेडिंग रेंज और रिड्यूस हो चुकी है। तो अगर इसका अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो ये एक राइजिंग वेज का एक मासिव अपसाइड ब्रेकआउट होगा। अब यहां पे दोस्तों जो मैं बोल रहा था कि मैंने आशा नहीं की थी कि इतना बड़ा करेक्शन होगा, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो एक लार्ज अपर शैडो है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो मैं आशा कर रहा था कि ये करेक्शन जो है 41,500 के आसपास में रुकना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए, लेकिन करेक्शन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बब्बर शेर आ गया, शेर आ गया जो सिलिकॉन वैली बैंक है, क्रेडिट सुसी है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज के कारण मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब हो गया। लेकिन अगर हम प्राइस के फर्दर एक्शन को समझने की कोशिश करें तो इसने रीसेंट टाइम लाइफ टाइम हाई बनाया 44,151.8 का, और जो लो बनाया अभी इस महीने में 38,613.15 का। तो अगर हम इस इंपल्सिव वेव को एक आधार बनाएं, ये एक इंपल्सिव वेव है जिसमें हार्डली एनी करेक्शन है, तो यहां पर अगर हम इसको बेस बनाएं और इसकी रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करें, तो यहां देखिए मैं इसके रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करता हूं। हम क्या देखते हैं, ये रीसेंट करेक्शन में प्राइस ने सपोर्ट लिया 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो है डेरिवेटिव गोल्डन रेशियो का। ये लेवल ऑल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्राइस का यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। साथ में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो राइजिंग वेज का लोअर फाइबर है वो अपने आप में एक सपोर्ट था। तो हमें कई वेट ऑफ एविडेंस एंड सेवरल कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं जो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि शायद अब इस करेक्शन की समाप्ति हो गई है।
दूसरे शब्दों में बोले ये अपट्रेंडिंग मूव के बाद ये जो करेक्शन हुआ, तो ये कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, तो ये थ्रोबैक है जिसने इस नेकलाइन के ऊपर में टेस्ट किया और ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। अब ये करेक्शन शुरू क्यों हुआ इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस कप एंड हैंडल का एक टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो ये देखिए इसने 61.8% के टारगेट को अचीव किया और ये करेक्शन की शुरुआत हुई। तो अगर इस कप एंड हैंडल के 100% टारगेट को देखें, एक्सपांशन के टारगेट को, तो 46,100 का टारगेट तो वैसे ही निकल के आता है। लेकिन बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, बात रुकती है कि ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था बेयर मार्केट के बाद, तो अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पर एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, ये देखिए मैं टारगेट को प्रोजेक्ट करता हूं, पहले मैं इस रिट्रेसमेंट को रिमूव कर देता हूं, तो फिर इसका टारगेट जो पहला है वो आता है 47,700 या 47,800। अब आप देखिए प्राइस ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाएगी और ऊपर जाएगी। ये टारगेट अचीव होना संभव इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस ग्रुप में भी एक्ट करेगी तो शायद ये ट्रेंड लाइन पर जाकर प्राइस एक कूलिंग ऑफ इफेक्ट दिखाएगी, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी और करेक्शन की संभावना बनेगी। लेकिन जब दोबारा करेक्शन होगा तो ये देखिए फिर से यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो ये प्राइस 41,500 पर एक सपोर्ट लेगी। अगर ये करेक्शन हुआ भी और डीपर करेक्शन हुआ तो, और जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो इसका टारगेट होगा इस राउंडिंग पैटर्न के 100% एक्सपांशन का, जो इसे 60,000 के ऊपर में ले जा सकता है। और यही कारण है मैंने बोला कि ये प्राइस एक्शन एनालिसिस और अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के आधार पर मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी आज की डेट में जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है आने वाले समय में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ऑल्दो जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो 31 मार्च को ये लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस वीक में काफी मासिव सर्ज है। करंटली वीक ऑन वीक बेसिस पर ये 2.86% की तेजी पे ट्रेड हो रहा है। सिग्निफिकेंट बात क्या है, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का सपोर्ट, अगेन प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया जो कि कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का, और आज की कैंडल क्लियर कट नजर आ रही है जिसकी संभावना ऑलमोस्ट तय है कि ये एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन करेगी। और कहां पर ये मॉर्निंग स्टार, EMA 55 के पास, ये मॉर्निंग स्टार ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है। क्या हम कुछ और कॉन्फ्लुएंस को चेक कर सकते हैं, तो ये अगर हम पिछली इंपल्सिव वेव को एनालिसिस करें तो प्राइस ने सपोर्ट लिया है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो अगेन गोल्डन रेशियो 61.8% का एक डेरिवेटिव है और ये कई कन्फ्लुएंस को यहां दर्शाता है। तो ऐसा लगता है कि अब बैंक निफ्टी में ये करेक्शन जो हो रहा था इसकी समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां देखिए ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया था, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर था। इस जगह पे प्राइस ने SMA 233 के ऊपर में सपोर्ट लिया और ये जो कंसोलिडेशन बैंड था ये एक डिमांड एरिया के रूप में साबित हुआ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम में जब ये करेक्शन हो रहा था तो यहां पर मोमेंटम इंडिकेटर को चेक करते हैं, तो ये RSI को देखें तो यहां पर मार्केट ने लोअर लोस का फॉर्मेशन किया प्राइस के टर्म्स में, लेकिन यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर कट नजर आ रहा है और यहां पे RSI जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है यहां बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। क्या कुछ और कॉन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है? यस दोस्तों, अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर MACD को चेक करें तो यहां पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है
और हिस्टोग्राम हैज स्टार्टेड मेकिंग अबव जीरो लाइन विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट और लॉस ऑफ डाउन साइड मोमेंटम तो एमएससीडी काफी दिनों से इंडिकेट कर रहा था, ये बहुत ऑब्वियस है, अनक्लियर है अगर हम हिस्टोग्राम की एनालिसिस करें एमएससीडी के ऊपर में। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि एक इमीडिएट हर्डल जो था वो ये लेवल का था और इसके ऊपर में आज ब्रेक अवे गैप के साथ में कैंडल खुलती हुई नजर आ रही है। आज का वॉल्यूम देखें, पिछले दो दिन का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक नजर आ रहा है और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो हम आशा कर रहे थे ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, तो ब्रेक अवे गैप हुआ है आज और उसके ऊपर में कैंडल करेंटली ट्रेड हो रही है 31 मार्च को। इसका मतलब क्या है, अब क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या यहाँ पर कुछ प्राइस स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। अब अपसाइड मूव जब होगा तो अभी रिट्रेसमेंट एनालिसिस के अनुसार 41,500 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर गैप भी है जो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्राइस दोस्तों ये अपसाइड में जाके कुछ ऐसा करेक्शन करेगी और फिर ये ब्रेकआउट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे चार्ट पैटर्न के रूप में कन्वर्ट करके देखें तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये प्रोबेबली लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया और प्राइस कुछ ऐसा जाके ऐसा करेक्ट करेगी और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करेगी जो एक मेजर रिवर्सल चार्ट पैटर्न होगा। इसकी संभावना काफी प्रबल होती जा रही है प्राइस एक्शन के अनुसार और मोमेंटम स्टडीज के अनुसार। अगर हम यहाँ पर एक नजर बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी डालें तो ये पहले तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और ये जितने भी रिट्रेसमेंट हैं उन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर हम एक नजर बॉलिंजर बैंड के ऊपर में डालें तो बॉलिंजर बैंड हमें क्या दिखा रहा है, इस लेवल पे अगर चेक करें और इस लेवल पे चेक करें लोअर लोस का फॉर्मेशन है लेकिन वोलाटिलिटी इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड के ऊपर में वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि अब निफ्टी में बैंक निफ्टी में ये करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है और करंटली प्राइस बॉलिंजर बैंड के मीडियन के ऊपर भी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है। तो बैंक निफ्टी की मैं एक डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता था। वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।